गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 54, चैप्टर 6, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। तो बच्चे, इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? इसमें हमने चिड़ियों के घोंसलों के बारे में पढ़ा था कि चिड़ियाँ घोंसला क्यों बनाती हैं, कब बनाती हैं, कहाँ बनाती हैं, है ना। तो इसमें हमने अलग अलग देखा था कि चिड़ियाँ देखो अपना घोंसला ज़्यादातर फरवरी मार्च के महीने में बनाती है। वो अपना घोंसला अपने बच्चों को पैदा करने के लिए बनाती है, जहाँ वो अंडे देती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक है, उनकी रक्षा करती है दुश्मनों से। और जो ज़्यादातर घोंसले हैं वो चिड़ियाँ कहाँ बनाती हैं, जैसे पुराने बिल्डिंग्स में, दीवारों, टूटी दीवारों में, है ना, स्काईलाइट्स या वेंटिलेटर्स में, यानी बरामदे में, रोशनदान्स में। तो यहाँ वो अपनी घोंसले बनाती है। घोंसले बनाने के लिए वो क्या यूज़ करती है, जैसे पुराने कपड़े, कॉटन, है ना, घास के टुकड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके वो अपना घोंसला बनाती है। तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट पढ़ी थी। हमने इसमें पढ़ा था नेस्ट ऑफ स्पैरो एंड पीजन, नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड, नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड और नेस्ट ऑफ अ वुड पीकर। तो इसमें हमने ऑनलाइन क्लास में, यानी कि लाइव क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे द नेस्ट ऑफ बुलबुल। बुलबुल आप सभी जानते हो कि कौन एक बर्ड होती है जिसका नाम क्या होता है, बुलबुल होता है। तो अ बुलबुल मेक्स इट्स नेस्ट विद ड्राई ग्रास इन द हेड एंड बुशिश, इट्स नेस्ट इज लाइक अ डीप कव। अब देखो चिड़िया, ये बुलबुल है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, उसका घोंसला एकदम ड्राई घास से बनता है, यानी कि सूखा घोंसला बनता है, ठीक है। तो जो झाड़ीदार बुशिश, छोटी झाड़ीदार जो होता है, वैसे उसका घोंसला बनता है, तो उसके तिनकों से। और ये गहरा, जैसे एक कप नहीं होता है गहरा कप, वैसे इसका घोंसला होता है बिल्कुल गहरा। द एग एंड यंग बर्ड्स डू नॉट फॉल आउट ऑफ इट, इस ये गहरा इसलिए बनाती है कि इसके बच्चे और इसके अंडे ना गिर सकें, इसलिए गहरा बनाती है। अब है नेस्ट ऑफ वल्चर्स, यानी कि गिद्ध, जो गिद्ध होता है पक्षी, उसका घोंसला कहाँ होता है, तो उसका घोंसला कहाँ होता है, वल्चर्स मेक बिग नेस्ट टू ऑन अ टॉल ट्री विथ स्टिक्स, यानी कि जो ये क्या करती है, स्टिक्स लेती है, पतले पतले जो लकड़ी के स्टिक्स होती है, इनसे ये अपना घोंसला बनाती है। बहुत बड़ा ऊंचा इसका घोंसला होता है, पेड़ में, ऊंचे पेड़ में इसका घोंसला होता है। द नेस्ट ऑफ वल्चर्स लुक लाइक अ सैलो कप, और इसका कैसा होता है, उथला सा, उथला बोलेंगे हम इसको, शैलो यानी कप जैसे बाहर की तरफ निकला होता है ना, इस तरीके से इसका घोंसला होता है, ठीक है, जैसा आप पिक्चर में भी देख रहे हो। अब है नेस्ट ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन एक पक्षी है, जो कैसा पक्षी है आपको पता है, फ्लाइटलेस बर्ड है। तो पेंगुइन क्या करती है, डू नॉट वर्क हार्ड टू मेक देयर नेस्ट, ये क्या करती है, घोंसला बनाने में ज़्यादा, ये क्या करती है, पेंगुइन डू नॉट वर्क हार्ड टू मेक देयर नेस्ट, ये कुछ ज़्यादा कठिन अपना घोंसला बनाने में ज़्यादा वर्क नहीं करती है, काम नहीं करती है। दे कलेक्ट अ फ्यू पेबल्स एंड बोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ये क्या करती है, कुछ क्या ले लेती है, हड्डियों के टुकड़े ले लेती है, कुछ पत्थर ले लेती है, और वहीं अपना ज़मीन में ही अपना घोंसला बना लेती है। अब नेक्स्ट आपका द नेस्ट ऑफ पार्ट्रिज, पार्ट्रिज एक पक्षी होता है जिसे हम तीतर भी कहते हैं, ठीक है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पार्ट्रिज एंड डक्स मेक देयर नेस्ट इन द ग्राउंड, जैसे बतख होता है, तीतर होता है, ये भी अपना घोंसला ज़मीन में बनाते हैं। दे डिग होल्स इन द ग्राउंड विथ देयर बीक्स एंड फिट टू मेक देयर नेस्ट, ये क्या करती है, अपनी चोंच से ज़मीन को पूरा खोद देती है, उसके बाद वहीं अपना घोंसला बनाती है। दे पुट सम ग्रास एंड लीव्स टू मेक द नेस्ट एंड कोजी, और थोड़ा घास डाल देती है, थोड़ा पत्तियाँ डाल देती है, जो कि इसके घास को, इसके घोंसले को गर्माहट देते हैं। नाउ टर्न योर पेज, अब नेस्ट ऑफ आउल, आउल आप सभी जानते हैं, यानी कि उल्लू। तो उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाता है, आउल बिल्ड्स देयर नेस्ट इन द होल ऑफ द ट्री और अ वॉल, या फिर ये दीवारों के छेद में, या फिर जो पेड़ों के छेद होते हैं वहाँ ही अपना घोंसला बनाती है। दे ऑल्सो यूज़ ओल्ड बिल्डिंग्स फॉर मेक देयर नेस्ट, या फिर कोई जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ भी अपना घोंसला बनाते हैं। द नेस्ट इज लाइंड विद द ग्रास एंड फीटर्स, ठीक है, तो ये अपना घोंसला बनाने में पंख और घास का इस्तेमाल करती हैं।
अब है नेस्ट ऑफ कोयल, यानी कि कोको जो बर्ड होती है, कोयल बर्ड होती है, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है। द कोयल इज लेजी बट क्लेवर बर्ड। जो कोयल होती है बहुत ही आलसी पक्षी है, लेकिन बहुत चालाक भी है, आलसी के साथ चालाक भी है। इट डज नॉट बिल्ड देयर ओन नेस्ट, ये अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। इट ले इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट, यानी कि वो अपना घोंसला बनाती है, घोंसला नहीं बनाती है, और अपने अंडे कहाँ देती है, जहाँ कौवा अपने लिए घोंसला बनाता है ना, वहीं अपना अंडे दे देती है। द मदर क्रो हैच देम एज हर ओन एग्स, और जो कौवा होता है वो इसके अंडों को इस तरह से सेकता है जैसे कि कौवे के अंडे हों। सी ऑल्सो फीड द बेबीज अलॉन्ग विद हर ओन बिकॉज दे लुक क्वाइट अलाइक। अब ये अपने जब इनके बच्चे भी निकलते हैं तो कौवा कोयल के बच्चों को खाना इस प्रकार से खाद खिलाता है कि अपने बच्चे समझकर, क्योंकि दोनों काफ़ी समान होते हैं, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। अब है केयरिंग फॉर यंग बर्ड्स, जो छोटे बर्ड्स होते हैं, जो इनके बेबी बर्ड्स निकलते हैं, तो किस प्रकार से केयर करते हैं। व्हेन द नेस्ट इज रेडी द मदर बर्ड ले द एग इन इट, बोथ द मदर बर्ड एंड द फादर बर्ड वर्क हार्ड टू लुक आफ्टर देम। जब जो मादा जो पक्षी होती है वो जब अंडे देने वाली होती है तो क्या करती है, जो घोंसला बनाने में दोनों मदद करते हैं, यानी कि जो फादर बर्ड होती है वो भी और मदर बर्ड दोनों होती हैं, तो दोनों अपना घोंसला बनाते हैं। द एग हैव टू कैप इट वॉर्म, और अंडों को गर्म रखते हैं। मदर बर्ड एंड द फादर बर्ड सिट ऑन द एग टू कीप देम वॉर्म, और जो मादा पक्षी होती है और जो नर पक्षी होता है, ठीक है, वो दोनों के दोनों अपने अंडों को सेकते हैं, गर्म करते हैं। द फादर बर्ड ऑल्सो प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम एनिमीज, अब जो फादर बर्ड होता है वो दुश्मनों से अपने किसकी रक्षा करता है, अपने बच्चों की रक्षा करता है, अपने अंडों की रक्षा करता है ना। और व्हेन द बेबी बर्ड इज़ फुली ग्रो द एग सेल ब्रेक्स एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट द एग सेल, जब क्या होता है बेबी बर्ड इज फ्ली, जब वो बड़े हो जाते हैं, अंडों से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये अपने घोंसलों को भी छोड़ के चले जाते हैं। द बेबी बर्ड्स दैट कम आउट द एग आर वेरी वीक, तो कुछ टाइम तो जो वो अंडों से निकलते हैं, बच्चे चूजे निकलते हैं घोंसलों से, अंडों से जब बर्ड निकलते हैं छोटे, तो बहुत कमज़ोर होते हैं। दे डू नॉट हैव फीडर्स, उनके पंख भी नहीं होते हैं। द आइज़ आर क्लोज, और उनकी आँखें भी बंद होती हैं, है ना, जब छोटा बेबी बर्ड का जन्म होता है। द मदर एंड फादर बर्ड लुक आफ्टर देम, तो दोनों उनकी देखभाल करते हैं, मदर बर्ड भी और फादर बर्ड भी। दे फीड देम एंड कीप देम वार्म, उनको गर्माहट देते हैं, उनको भोजन देते हैं, और दुश्मनों से उनकी सुरक्षा करते हैं। इट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी मदर बर्ड फीडिंग इट यंग वंस, द मदर टेक्स द फूड इन दियर ओन माउथ, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि एक माता जो पक्षी होती है, मदर बर्ड होती है, वो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है मुँह में, है ना। सी ब्रेक्स द फूड इन टू स्मॉल पीस, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करती है और अपने बच्चों के मुँह में डालती है, ठीक है। देन पुशेज, फिर उनके मुँह में डालती है, बेबी बर्ड के मुँह में डालती है। वैन द बेबी बर्ड ग्रो अप एंड हैड्स फीडर्स, द पेरेंट बर्ड टीच देम टू फ्लाई एंड फाइंड फूड फॉर देमसेल्व्स, अब जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पंख आ जाते हैं, तो उनके मम्मी पापा दोनों उनको उड़ना सिखाते हैं, उनके लोग खुद सिखाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार से अपना भोजन खुद लाना है। दस द यंग वंस आर कैरिड एंड प्रोटेक्ट द बाय द पेरेंट्स बर्ड टिल दे लर्न टू फ्लाई एंड गैदर देयर ओन फूड, इस तरीके से जो छोटे पक्षी होते हैं वो अपने माता पिता से सीखते हैं कि किस प्रकार से उड़ना है और किस प्रकार से अपना भोजन इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप सब ने पढ़ा, इसमें अलग अलग घोंसलों के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसमें आपने देखा कि मदर बर्ड और फादर बर्ड किस प्रकार से अपने बेबी बर्ड की के लिए घोंसला बनाता है, उनकी प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए भोजन करता है, उनको सब कुछ सिखाता है, फ्लाई करना सिखाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।